तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आज ये प्रश्न हमें भेजे भी हैं मुकेश पांडे जी ने जो प्रयागराज के निवासी हैं और इनके चौहत्तर नंबर आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सअप नंबर सेवन इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए खुशी

को कहा था ये नागा मेला अगली किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये देखिए भाई आज ही सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल गया है नागा जी का मेला मुरैना जिले के पास पोरसा नामक गांव में लगता है और कल हमने आपको आंसर भी बताया था था जब ये मेले शुरू हुए हमने तुरंत कह दिया था कि नागा जी का मेला पक्का मिलेगा जो पोरसा में लगता है मुरैना में ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी आपको तो नवंबर दिसंबर में ये मेला लगता है इस मेले का आयोजन नागाजी संत की याद में किया जाता है जो अकबर के काल में रहते थे यह लगभग एक महीने के लिए मुरैना जिले के पोरसा नामक गांव में

जहां पर आपकी सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है वहीं गोल्डन ब्लॉक भी पाई जाती है तो देखिए ये आपको कुछ दिन पहले एक खबर निकली होगी अखबार में कि गोल्डन ब्लॉक में खुदाई नहीं की जा रही है देखिए तो सिंगरौली के चितरंगी के चकरिया गोल्ड याद रखना ये इस गोल्ड ब्लॉक का नाम क्या है चकरिया गोल्ड ब्लॉक ठीक है तो सिंगरौली के चितरंगी के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में जल्द खनन शुरू होने को लेकर के संदेह की स्थिति बनी हुई है खदान की नीलामी हुए दो वर्ष हो गए दो वर्ष पहले यह खदान खोजी गई थी लेकिन अभी तक इसमें कोई खनन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई ठीक है तो सिंगरौली में गोल्डन ब्लॉक पाई जाती है अपना कुल मतलब

बाबा अलाउद्दीन खान देखिए प्रसिद्ध संगीतकार और मैहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खान का घर मैहर में ही था भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को कुछ सबसे बड़े कलाकार जैसे कि पंडित रविशंकर पंडित निखिल बनर्जी और उनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी तथा पुस्तक पुत्र उस्ताद अली अकबर खान अलाउद्दीन खान के प्रसिद्ध शिष्यों में से हैं ठीक है ठीके? तो ये सब अलाउद्दीन खान के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं अलाउद्दीन खान के जो घर है वो कहाँ पर है मैहर में है और मैहर घराने की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न

आपका जो आपका आठ दशमलव आठ परसेंट हिस्सा जो है ये कवर करता है और सबसे सम, सबसे बड़ा जो समुद्र है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है बासठ हजार आठ सौ किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र है वो भी एशिया महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ है और तीस परसेंट जो जनसंख्या है विश्व की वो भी एशिया महाद्वीप में रहती है तो आगे प्रश्न बन सकता है कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है ठीक है चलिए अगला है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है ठीक है अब इसमें भी हो सकता है अगर भेल को दिया हो तो यह आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा एम पी जी के का पर यह पता नहीं चल पाया कि कौन सी कंपनी इसमें दी गई थी हालांकि महारत्न कंपनी के

चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है तो थर्मामीटर में पारा भरा रहता है सबको पता है भाई है ना ये आपका साइंस का प्रश्न है सबसे ज्यादा प्रश्न हम लेकर के आते हैं किसी से भी कंपेयर करके आप देख लेना और सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं देखिए तो पारा की बात करें तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि यह तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला यानी कि माइनस डिग्री सेंटीग्रेड से छह डिग्री सेंटी दशमलव छह डिग्री छह फेरन तक के तरल के रूप में रह सकता है इतने ताप को यह झेल सकता है इसलिए जो है आपका पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिस्मार्क वाला प्रश्न आ गया भाई सेम टू सेम सेंट। कल शाम वाली सेट में यही प्रश्न कराया था हमने बिस्मार्क से संबंधित प्रश्न था तब तो हमने आपको बताया था कि बिस्मार्क अठारह में प्रसा का चांसलर बना था आज यही प्रश्न पूछा है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था तो अठारह में बासठ बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था आज सुबह हमने वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो भाई डाल दी है आप जाकर के देख लेना सुबह ही वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो डाली है सारा एकीकरण किसका कब हुआ था रूसी क्रांति कब हुई थी कौन सी क्रांति कब

आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल आयोडीन की कमी को रोकने के लिए किया जाता है यह सामान्य नमक ही होता है जिसमें बहुत थोड़ी सी आयोडीन मिला दी जाती है आयोडीन युक्त नमक ऊपर से सामान्य नमक जैसा ही दिखता है उसे सामान्य नमक की तरह ही प्रयोग किया जाता है तो जो आपका टाटा नमक आता है ना देश का नमक टाटा नमक वो टाटा नमक भाई साहब आयोडीन युक्त नमक होता है ठीक है और बाकी जो आपके कुछ ऐसे आते हैं ना गोल गोल नमक जो खुला नमक मिलते हैं उसमें आयोडीन नहीं मिला रहता है तो हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो घेघा नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है है भी आपको याद रखना घेगा को ही गलगंड भी कहा जाता है आगे प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का बनेगा, वाला, है? आगे हैदर रजा का से है? से पूछा जाने वाला आज का। तो हैदर रजा का आ, न, मतलब चित्रकारी से है, ये एक चित्रकार है और प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार हैं जो 1950 के बाद से फ्रांस में रहते हैं और काम करते हैं लेकिन भारत के साथ में मजबूती से ये जुड़ी हुए हैं और ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं ठीक है थीके? तो MPGK का ये आपका पांचवा प्रश्न प्रश्न है पांच, प्रस्ने। पांच प्रस्ने आज आपके MPGK से पूछे गए हैं बड़ी खुशी की बात है आगे MPGK का पोर्शन बढ़ सकता है लेकिन बढ़ेगा तो केवल वही जैसे कि आपका मेले हो गए ठीक है कुछ अकेडमिया हो गई नृत्य वगैरह हो गए, आपके प्रश्न बढ़ेंगे बाकी डीपली ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एशिया का नोबल पुरस्कार जिसे रेमन कहते हैं सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया तो बिनोबा भावे को सबसे पहले एशिया का नोबल पुरस्कार रेमन मैक्से दिया गया तो रेमन मैक्से को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है

बढ़ जाती है, ठीक है और अगर कुर्सी टेबल वगैरह दी हुई थी तो इन सबको कोई नुकसान नहीं होने वाला है देखिए और सबसे ज़्यादा जो विषाक्तता होती है किसकी वजह से फैलती है वायु प्रदूषण की वजह से फैलती है तो वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं वे फसल की वृद्धि एवं उत्पादन को कम करते हैं इसके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं ठीक है तो इन्हीं की वजह से जो विषाक्तता वो आपके वायुमंडल में फैल जाती है और सभी सांस लेने वाले जीवों को इससे नुकसान होता है अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन ब्रायोफाइटा से संबंधित है भाई ब्रायोफाइटा के बारे में तो हमने न जाने कितनी बार आपको बता चुके हैं ठीक है थीके? तो चलिए एक बार फिर से आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बता देते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है देखिए तो वन जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहनी ऊतक नहीं होते ठीक है तो जो संवहनी ऊतक होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं जैसे आपका मोसेज हो गया हॉर्नवर्ट हो गया ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं एक बार इसमें हमने और बताया था पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं तो पादप जगत का उभयचर भी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एक प्रश्न इससे पहले और आया था कि

तो पोरीफोरा संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है वे ज्यादातर समुद्री और असमित जंतु हैं लेकिन कुछ जली जंतु भी इसमें शामिल हैं ठीक है देखिए स्पंजिला अलवर जल स्पंज है जो आपके इसमें इसमें काउंट किया जाता है संघ पोरीफोरा में इस समूह के सभी जंतु जल में पाए जाते हैं और उनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं तो ये विशेषताएं आपसे पूछी गई थी यानी कि ऐसे ऑप्शन दिया था इनमें से कौन सा कथन सही है चार ऑप्शन दिए गए थे वो आपको बताना था ठीक है तो ये सारी विशेषता हम आपको बता दे रहे हैं कि पोरीफोरा वालों के शरीर में छिद्र पाए जाते

माइनस जीरो जो है वो आपकी प्रायिकता नहीं होती प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बॉडमास से तीन प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसके बाद में एलजेब्रा के दो प्रश्न पूछे हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न थे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे 150 कार को पाँच लाख रुपए में 48 परसेंट की हानि पर बेचता है तो बावन परसेंट का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा बड़ा सिंपल सवाल है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं घातांक और करणी से तीन प्रश्न पूछे गए हैं कैलकुलेटिव प्रश्न है उसको आपको देख करके जाना है घातांक और करणी को ठीक है एल्सियम एलसीय से तीन प्रश्न पूछे गए जिनमें से भिन्न का एल्सियम एसियप भिन्न की तरह थे वो बोला गया था बताइए इनका एल्सियम क्या होगा

प्रॉफिट लॉस के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है प्रॉफिट लॉस के तीन से चार प्रश्न पूछे गए थे एक प्रश्न आपका ट्रेन का भी पूछा गया था नावधारा नहीं पूछी गई है सिंप्लीफिकेशन के दो प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन के भी तीन प्रश्न आपके पूछे गए हैं आयु यानी एज से दो से तीन प्रश्न बन रहे हैं ये ये कुछ टॉपिक है जिनकी संख्या अब बढ़ा दी गई है ठीक है मैंसुरेशन के दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो आगे हम बताएंगे आपको और एवरेज का एक प्रश्न है रेशियो के तीन प्रश्न है और मैंसुरेशन के जो प्रश्न है वो व्रत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था ठीक है तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम हो गया भाई इसको आप देख लेना ये टॉपिक आगे अगले कुछ दिनों तक रिपीट होते रहेंगे आगे बढ़ते हैं बात रीजनिंग की करते हैं यहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है देखिए घड़ी की बात करते हैं घड़ी के चार प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें एक प्रश्न था तीन बजकर छप्पन मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में क्या कोण होगा एक प्रश्न यह था और तीन प्रश्न आपके वाटर और मिरर मिरर में घड़ी के कुछ टाइमिंग दी थी और यह क्या दिखाएगी ये आपसे पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग के पांच से छह प्रश्न यहां पर लगातार आ रहे हैं एबीसीडी के नंबरिंग याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन के दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी प्रश्न आज नहीं पूछा है आज आपसे हमने कल भी कहा था कि आगे आपसे वर्ग काउंटिंग आएगा कल आयत काउंटिंग आया था आज वर्ग काउंटिंग आया है तो आज आपसे स्क्वायर को काउंट करने के लिए पूछा गया था ठीक है इसके साथ साथ में आज, आज आपसे डाइस भी पूछा गया है और खुला हुआ पासा पूछा गया ठीक है ना ऐसे ऐसे करके जो प्रश्न आता है ना ऐसे करके ठीक है अब बताइए इसके सामने क्या आएगा इसके सामने क्या आएगा ये वाला प्रश्न जो है आज, आज आपसे पूछा गया आगे इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ने की संभावना है दो प्रश्न आपके डायरेक्शन के पूछे गए थे थे आयदर और नाइदर और नौर का सिस्टम खत्म हो चुका एक भी प्रश्न आयदर और या तो यदि से नहीं पूछा गया था इस शिफ्ट में आगे आएगा तो वो हम आपको बताएंगे लगातार एग्जाम एनालिसिस दिखते रहिए मिसिंग लेटर लगातार आ रहा है तीन प्रश्न पूछे गए दो प्रश्न

प्रश्न आपके दो प्रश्न यहां पर आज पूछे गए हैं कथन और कारण के। अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं जीके के आपके आज पूछे थे। के रीजनिंग के चौतीस प्रश्न आज आपके पूछे गए थे वहीं आज के टॉप फाइव स्कोर की बात कर लेते हैं देखिए तो टॉप फाइव स्कोर में अस्सी अठहत्तर छिहत्तर इकहत्तर उनहत्तर टॉप फाइव स्कोर देखने को मिले हैं हालांकि स्कोर की संख्या और भी बढ़ सकती है हो सकता है हमें नहीं मिले हों क्योंकि पांच प्रश्न आज आज आपके एमपीजी के क्या हैं अब जो लोग नहीं पढ़कर आए होंगे उनके लिए नुकसान है और जो लोग पढ़कर के आए होंगे उन्होंने 73 के आसपास जा सकता है जनरल का क्योंकि एमपीजी के प्रश्न बड़े हैं अब आप आपको बता दें मेले आपको पढ़ करके जाना है आधे घंटे बाद मेले की वीडियो आपके सामने आ जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो सुबह हमने डाल दी है इसको देख करके जरूर जाना पादप जगत को भी आपको पढ़ करके जाना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं यहाँ के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं काउंटिंग फिगर को आपको देख करके जाना है इकोनॉमिक्स की वीडियो हमने बना रखी है उसको जरूर देख जाना सी आर आर क्या होती है ये सब पढ़ करके जाना करंट अफेयर को भी थोड़ा बहुत देख करके जाइए दो का कोई पुरस्कार पूछा गया था वो पुरस्कार हमारे पास में आ नहीं पाया कि कौन सा पुरस्कार था अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आगे बढ़ते हैं भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको पी मिल जाएगी। पिछले दो दिनों की डी अभी हम इस पर डाल देंगे ठीक है ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है नहीं तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पर मिल जाएगा दूसरा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव ठीक है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है नहीं मिले तो आप सर्च कर लेना आपको वहां पर मिल जाएगा सक्सेस जंक्शन लाइव यहां पर आपको बहुत सारी किताबें राकेश यादव सर की किताब आदित्य पटेल सर की किताब आदित्य रंजन सर की किताब नीतू मैम की किताब इंग्लिश की सारी किताबें किरण की बहुत सारी किताबें मैथ की ये सब आपको यहां पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर लेना जो आप साढ़े खरीद करके लाते हैं किताबें

ज़रूर से जरूर भेजना मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में जो आपकी साढ़े छः बजे छूटेगी कभी कभी सर्वर बिजी होने की वजह से ये शिफ्ट सात बजे छूटती है साढ़े सात आठ बजे तक प्रश्न आते हैं नौ बजे से पहले पहले आपके सामने वीडियो आ जाता ठीक है तो मिलते हैं तो थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एल में उससे पहले मेले वाली वीडियो में अभी आधे घंटे बाद तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद